हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पूरी गर्मियां फूल देने वाले प्लांट्स के नेम और प्राइस आपके साथ शेयर करने वाली हूं, और ये प्लांट आपको इस टाइम पर नर्सरी में भी इजी से मिल जाएंगे। केयर कैसे करनी है सब कुछ बताऊंगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल को, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। फर्स्ट प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो, अडेनियम। अडेनियम प्लांट को डेसर्ट रोज भी बोला जाता है। ये प्लांट जो है, इसकी वेल ड्रेन मिट्टी आपको तैयार करनी होती है। ये अगर आपका ख़राब होगा तो फंगस की वजह से ख़राब होता है। 15 से 20 दिन में एक बार फंजीसाइड पाउडर भी डालते रहिए, पोटास खाद ज़रूर से डाला करें, बहुत अच्छी ग्रोथ निकलती है, फ्लावरिंग भी बढ़िया होती है। ये 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 1000 तक मिलते हैं। फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ये फूल देती है। वो नर्सरी में 150 की इस टाइम पर भी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में बस इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं 2 मंथ के लिए, अदरवाइज़ ये पूरा साल अच्छे से ग्रो करती है। फूल इस टाइम पर इस पर खिलते हैं बहुत अच्छे, वैसे तो एक दो निकलते रहते हैं, लेकिन इस टाइम ज़्यादा खिलते हैं। पूरा दिन की धूप में आप इसको रखिए, और बेल होती है, कहीं पर भी फैला भी सकते हो। प्लांट है टिकोमा, ये टिकोमा जो वाइन होती है वही है, और इसके फूल आप देख सकते हो पर्पल कलर के फूल खिलते हैं इस पर, ऑरेंज कलर के, और पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो। 100 रुपीज़ की नर्सरी में आपको मिल जाएगी। ये आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो, और इसको आप इजी एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हो। 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, और ये भी एक बेल ही होती है, इसको भी कहीं पर आप फैला सकते हो, बाउंड्री वगैरह पर, रेलिंग वगैरह पर। इस तरीके के इसके फूल होते हैं, काफ़ी बड़े साइज के, इस टाइम पर जाकर खिलते हैं। सर्दियों में इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन गुच्छों में फूल आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। मिट्टी का कोई इशू नहीं है, आप कैसी भी मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हो। थोड़ी अच्छी मिट्टी रखोगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा गमेलिना। गमेलिना जो प्लांट होता है, गमेलिना फिलिपेंसी बोलते हैं इसको, इसके फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और ये प्लांट आपको नर्सरी में 80 रुपीज़ का मिल जाता है। इसे भी आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो, और बीजों से भी तैयार कर सकते हो। ये भी एक बेल ही होती है, आप इसे भी कहीं पर फैलाकर अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हो, और सब पूरा दिन की धूप में ईजी ग्रो करेगी। 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, मिट्टी ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी लेनी है। नेक्स्ट है बुगनवेलिया। तो बुगनवेलिया भी इस टाइम पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन मैंने इसकी देखिए कटिंग की हुई है, तो अभी इस पर फूल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दूसरा प्लांट है हाइब्रिड बुगनवेलिया, इस पर आप देख सकते हो पर्पल कलर के फ्लावर हैं, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। बुगनवेलिया जो प्लांट होते हैं काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, और परमानेंट प्लांट होते हैं। बुगनवेलिया को आप कटिंग से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टिकोमा प्लांट। टिकोमा वाइन भी होती हैं, प्लांट भी होते हैं, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हैं टिकोमा की। सर्दियों में फूल देते हैं, गर्मी में फूल देते हैं, अलग अलग इनके प्लांट होते हैं। ये येलो टिकोमा है, और इसी के पास ये ऑरेंज कलर के फूलों वाला भी टिकोमा ही है, और टिकोमा को भी आप कटिंग से इजी तैयार कर सकते हो। दिन की धूप में रखिए, केयर कैसे करनी है वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो कौन सी खाद आपको इसमें डालनी है, ताकि आपके प्लांट पर भी ढेरों फूल आ सकें। कटिंग से भी तैयार होता है, एयर लेयरिंग से भी। नेक्स्ट है हमारा चांदनी। ये डबल पेटल वाला चांदनी का प्लांट है हमारा, जिस पर डबल पेटल में फूल खिलते हैं। फूलों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, एक चांदनी जो होता है उस पर छोटे फूल आते हैं, जो कि ये वाला आप मेरे सामने देख सकते हो। इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी रहती है, कटिंग से इजी तैयार हो जाता है, पूरा दिन की धूप में रखिए, और ये प्लांट भी आपको नर्सरी में मिनिमम 50 से 60 रुपीज़ के ही मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इनकी कटिंग जब लगा रहे हो तो कोकोपीट में अगर लगाओगे तो बहुत ही जल्दी तैयार होगी। ये होता है सिंगल पेटल वाला चांदनी, ये इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है जितनी डबल पेटल वाले प्लांट में से खुशबू आती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोरा। एक्सोरा इस टाइम पर आपको नर्सरी में भी और आपके घर पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते दिखेंगे, और कलर भी इनके आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 150-200 तक आपको एक्सोरा नर्सरी में मिलते हैं। कटिंग से भी आप इनको तैयार कर सकते हो, और एक्सोरा जो प्लांट होते हैं इनकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती हैं। देसी वैरायटी को आप धूप में रखिए, हाइब्रिड वैरायटी को 2 से 3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा हमेलिया बोलते हैं इसको। आप इसके फूल देख सकते हो, ऑरेंज कलर में बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी पत्तियां भी देखने में सुंदर लगती हैं और ये प्लांट आपको नर्सरी में सिर्फ 60 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हो और ये ज़्यादातर से हैज बनाने के भी काम आता है। प्लांट 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, ग्रोथ बहुत अच्छी निकलेगी। नेक्स्ट है हमारे पोर्टूल का जो कि इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि इन्हें धूप अच्छी चाहिए होती है और इन पर धूप पड़ते ही फूल खिलने लग जाते हैं। कटिंग से बहुत इजी तैयार होते हैं, प्लास्टिक बोतल में आप इनको लगा सकते हो। 20-20 रुपीज़ के नर्सरी में आपको बहुत सारे ही प्लांट मिल जाते हैं। टाइम पर अगर आपके पास है तो आप कटिंग इसकी लगा सकते हो, ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि इसकी कटिंग कभी ख़राब नहीं होती है। बस पानी आपको इसमें कम डालना रहता है, ज़्यादा पानी डालने की वजह से ये गल जाता है। नेक्स्ट है हमारा गुलाब। तो गुलाब की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, फूलों के कलर बहुत सारे होते हैं और इस टाइम पर ये एक बार क्योंकि हम इनकी अच्छी प्रूनिंग कर देते हैं फरवरी में, तो इस टाइम पर इन पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। बट और ये प्लांट आपको 50 से 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200-300 तक मिलेंगे क्योंकि गुलाब की जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी वैरायटी होती है। नेक्स्ट है हमारा रजनीगंधा। रजनीगंधा का भी ये फूलों का सीजन होता है इस टाइम पर क्योंकि रजनीगंधा को बल्ब से तैयार किया जाता है। रजनीगंधा के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये प्लांट आपको नर्सरी में 60 से 80 रुपीज़ के मिल जाते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैन लिली। तो रैन लिली तो नाम ही इसका रैन लिली है, बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसे भी बल्ब से ही तैयार किया जाता है। एक बल्ब भी अगर आपको कहीं मिल गया तो आपके पास इसके बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे। पूरा दिन की धूप में रखिए और 20 से 40 रुपीज़ का ही आपको रैन लिली मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा मधुमालती। मधुमालती तो एक परमानेंट प्लांट है, सर्दियों में बस थोड़ी इसकी ग्रोथ रुकती है लेकिन पूरी गर्मी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। 60 से 150 तक ये आपको नर्सरी में मिल जाता है क्योंकि इसकी दो तरह की वैरायटी होती हैं, देसी और हाइब्रिड। हाइब्रिड आपको महंगी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा जरबेरा। तो मेरे पास तो जरबेरा अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है, फूल आप देख सकते हो कितने अच्छे निकले हुए हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है क्योंकि इस टाइम पर इनकी नाइट्रोजन इनको बहुत चाहिए होती है। नाइट्रोजन जैसे इनको मिलती है तो पत्ते इनके बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और एंटास के भी बहुत सारे फूलों के कलर आपको मिल जाते हैं और 60 रुपीज़ का ही आपको नर्सरी में मिल जाएगा। कटिंग से इजी तैयार होता है, आप इसे पूरा दिन की धूप में भी रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आलमंडा। आलमंडा के 2-3 कलर आपको मिलते हैं, मेरे पास येलो कलर है, इसमें आपको पर्पल भी देखने को मिलता है। ये प्लांट ज़्यादातर आपको 150 या फिर 200 का मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, मिट्टी का कोई इशू नहीं है, आपके पास जैसी मिट्टी है आप ऐसी में ग्रो कर सकते हो। खाद बस आपको इसमें 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर डालनी होगी ताकि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग अच्छी हो। फूलों का साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा होता है, कटिंग से ये प्लांट ईजी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कनेर। कनेर ओलियंडर कई सारी वैराइटीज़ की होती हैं, इसमें आपको पिंक येलो वाइट देखने को मिलते हैं फूलों के कलर। प्राइस की बात करें तो 60 से 80 रुपीज़ के ही आपको ये नर्सरी में मिल जाएंगे। एक बार नर्सरी से ले आओगे तो उसके बाद आप इसे अपने घर पर इसके बीजों से भी कटिंग से भी इसका प्लांट तैयार कर सकते हो। मैंने इनको 9 से 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया। इसके पिंक कलर के फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ये प्लांट आपको 60 रुपीज़ का नर्सरी में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिकन पिटोनिया, ओनली 20 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाएगा। फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, फूलों के बाद ही बीज बनता है, उस बीज से अपने घर पर तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्सस सेज, ओनली 60 रुपीज़ का मिलता है, पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, कटिंग से इजी तैयार होता है। पत्तियों से ज़्यादा इस प्लांट के ऊपर फूल निकलते हैं, इसकी पत्तियाँ वाइट कलर में रहती हैं, 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा अपराजिता प्लांट। अपराजिता ओनली 40 रुपीज़ का आपको मिलता है, इसी प्लांट के ऊपर इसका बीज बनता है, इसके ऊपर फलियाँ बनती हैं जिसके अंदर इसका बीज रहता है, तो आप इसे बीजों से भी तैयार कर सकते हो, एयर लेयरिंग से भी और कटिंग से भी तैयार कर सकते हो। पूरा दिन में की धूप में
रखा जाता है। ये एक बेल होती है जिसे आप कहीं पर भी फैला सकते हो। अपराजिता को शंख पुष्पी भी बोला जाता है, गोरी प्रिया भी बोला जाता है, और इसमें आपको ज़्यादातर से 2 से 3 कलर देखने को मिलते हैं। व्हाइट कलर रहता है, ब्लू कलर रहता है एंड पर्पल कलर रहता है। अपराजिता जो प्लांट होता है इसको काफ़ी हार्डी प्लांट माना जाता है, क्योंकि आप इसकी एज अ बोनसाई की तरह भी इसको रख सकते हो। अगर आप इसकी टाइम टू टाइम पर प्रूनिंग करते रहते हो तो ये नीचे ही बहुत घना भी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।